हेलो एवरीवन, वेलकम टू सुबैयास फूड एंड ब्लॉग्स। और आप सब कैसे हैं? और अभी इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो उसके लिए मैं एकदम टेस्टी तिरंगा लड्डू की रेसिपी लाई हूं, जो कि बिना गैस जलाए बिना चाशनी बनाए आप बिल्कुल आसानी से सिर्फ 5 मिनट में से बना सकते हो। तो बिल्कुल आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए या पुराने जो भी हैं, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएँ और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। चलिए बनाते हैं हम हमारी टेस्टी टेस्टी मिठाई। तो यहाँ पर एक मिक्सी का छोटा जार ले लिया है मैंने और एक कटोरी मैंने ली है छोटी, जो कि हम सब्जी वगैरह खाते हैं वो कटोरी ली है, क्योंकि मेजरिंग कप हमारे घर में सभी के घर में नहीं होता है। तो इसी कटोरी से हम एक कटोरी शक्कर हमने डाल दी और ये जो नारियल का बुरादा है मेरा घर का ही किया हुआ है तो वो मैं डाल दे रही हूँ। आप चाहे तो रेडीमेड नारियल का बुरा भी ले सकते हैं। और उसके बाद 3 से 4 हरी इलायची का पाउडर मैं इसमें डाल दूँगी और इसको अच्छे से बिल्कुल फाइन पाउडर पीस लूँगी। अब ये हमारा बिल्कुल बढ़िया फाइन पाउडर शक्कर खोपरा और इलायची का रेडी हो चुका है, ये देख सकते हैं आप। अब इसको हम यहाँ पे एक बाउल में खाली कर लेंगे पूरा। और उसके बाद इसमें मैं यहाँ पे थोड़ा सा घी डालूंगी और उसके पहले यहाँ पे मिल्क पाउडर डालेंगे हम एक कटोरी। वही कटोरी हम लेके अच्छी कंपनी का कोई भी मिल्क पाउडर डाल देंगे, इससे हमारी मिठाई बहुत ज़्यादा टेस्टी होने वाली है। और यहाँ पे मैं 1 टेबल स्पून शुद्ध घी डाल दे रही हूँ। और उसके बाद इसको हम हाथ से मिक्स करेंगे थोड़ा सा और उसके बाद गुनगुना थोड़ा दूध जो है हम डालेंगे। तो मैं कटोरी से ज़रूर आपको बता रही हूँ दूध, लेकिन इसमें दूध सिर्फ 1 से 2 टेबल स्पून ही डलेगा फ्रेंड। तो आप बिल्कुल 1 टेबल स्पून पहले डाल लें और उसको गूंध लें और उसके बाद ज़रूरत लगे तो 1-8 टेबल स्पून और लग सकता है हमें। बिल्कुल थोड़ा सा ही दूध लगेगा हमें इसमें, बस दूध थोड़ा सा गुनगुना होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर हम चम्मच से पहले मिक्स कर देंगे और फिर हाथों से इसको अच्छे से मिक्स करके इसका डो जैसा बनाएंगे, क्योंकि हाथों की गर्मी से जो है शक्कर वगैरह भी थोड़ी अच्छे से मेल्ट हो जाएगी और अच्छे से एक सार हो जाएगा हमारा मिश्रण। तो ये देख सकते हैं हमारा बिल्कुल मिश्रण रेडी है और इसको हाथों से थोड़ा सा हम और मल लेंगे। और ये दूध देख सकते हैं बिल्कुल थोड़ा सा लगा है मेरा, तो यहाँ मैं हाथों से मल के इसको एकदम चिकना सा हमारा डो तैयार कर लूँगी। और ये हमारी मिठाई का डो रेडी है। अब हम इंडिपेंडेंस डे के लिए बना रहे हैं फ्रेंड, तो इसको मैं 3 रंगों में करूँगी। तो एक वाइट ही रहने दूँगी और एक में मैं ग्रीन कलर फूड कलर मिला लूँगी और दूसरे में हम ऑरेंज कलर मिलाएंगे। और इसको थोड़ा सा घी हाथों पर लगा के हम इस तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे हाथों में ये चिपके ना। और ये ऑरेंज कलर भी मैं मिक्स करके रेडी कर लूँगी। और आप इसे चाहें तो रक्षाबंधन पे भी बिल्कुल इसे ट्राई कर सकते हैं और वाइट ही रख के या फिर आपके मनपसंद कोई दूसरे कलर लगा करके डाल के इसमें आप बना सकते हैं। और यहाँ पे मेरे पास एक मिठाई का पैकेट रखा था तो ये डो को मैंने 5 मिनट पहले फ्रिज में रख दिया था। और उसके बाद इस तरह से मैं थोड़े से बड़े साइज़ के ही लड्डू बना रही हूँ। आप चाहें तो अपने मनपसंद शेप के छोटे बड़े जैसे चाहें वैसे लड्डू बना सकते हैं। तो मैं 3-3 कलर के तीनों लड्डू बनाऊंगी। तो ये मेरे ग्रीन लड्डू बनकर रेडी हैं और ऑरेंज, और इसी तरह से हम वाइट लड्डू भी बना के हमारे रेडी कर लेंगे। और उसके बाद आप गार्निश चाहें तो करिए, नहीं तो ये ऑप्शनल है। और यहाँ पे हम ये प्लकर लेंगे, हमें आईब्रो नहीं बनाना है अभी। हम यहाँ पे प्लकर से जो है चांदी का वर्क थोड़ा थोड़ा सा लेकर इसको हम डेकोरेट करेंगे। ये वैसे बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन इससे बहुत ही सुंदर लगेगी हमारी मिठाई। तो आप इसे चाहें तो लगा सकते हैं और नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम हमारा जो है बढ़िया पिस्ता भी थोड़ा सा कटिंग करके लगा देंगे, इससे मिठाई का लुक एकदम रेडीमेड जैसा लगता है, बहुत सुंदर लगती है मिठाई। और खाने में तो ये फ्रेंड सच में इतनी टेस्टी बनी थी और सिर्फ 5 मिनट का वक्त इसे लगा था बनाने में और कोई हमें गैस वेस की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप इसे आराम से साल भर में कभी भी इंजॉय कर सकते हैं। त्यौहार तो अब एक के बाद आ ही रहे हैं। तो फ्रेंड्स हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए सुबैया फूड एंड ब्लॉग्स। थैंक यू।